अगर मैं आपको दुश्मन ना बनता, आपसे शिकस्त ना खाता और आपका कैदी ना बनता, तो कभी भी हिदायत का रास्ता ना ढूंढ पाता। मुझे अब जाके इस बात का इदराक हुआ, मेरी शिकस्त ही मेरी फतह थी। अगर मैं तुम्हारे लिए हिदायत का रास्ता ढूंढने का सबब बनाऊं, तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। मैं आपके सब्र और बर्दाश्त से बहुत मुतासर हुआ, और एक ऐसा ख्वाब जिसने मुझे हिला के रख दिया। क्या था वो, क्या देखा तुमने ख्वाब में? ये उस वक्त की बात है जब मैं जिंदान में था। एक आवाज ने मुझे जागने को कहा। मैंने आंखें खोली तो देखा कि जिंदान के दरवाजे खुले हुए। मैं दरवाजे की तरफ पढ़ा और फिर एक कमरे में दाखिल। वहां एक बहुत उम्र रसीदा सफेद बालों और सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह मेरी मदद करेगा, हिम्मत नाजिल करेगा मुझ पे। जब मैं बेदार हुआ तो मेरी आंखें आंसुओं से तर थी। फिर वही हुआ, अल्लाह ने मेरी मदद की और मुझे हकीकी दोस्त और हकीकी ईमान से रोशनास कराया।